أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الشقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان علماء ذوی القدر اور اس مقدس شہر کی عزم نواز شخصیات آپ کی پاکیزہ اور مبارک سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس مخصوص اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ معظم آیات کلام الہی کے تیسرے سورے یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی دو مسلسل باہم پہم بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے اپنی جناب کے اپنی سرکار کے اور اپنے دربار کے مخصوص اور اہم کرداروں کا تذکرہ فرمایا ہے تاریخ ہدایت اور حقیقت رشد و نجات کی طرف عالم انسانیت اور جہان بشریت کو توجہ دلائی آغاز ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا بے شک بلا شبہ لا ریب اللہ نے چن لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے معین فرما دیا ہے اصطفا کر لیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم نے اصطفا فرمایا اصطفا کا مطلب اصطفا کا مفہوم اور اصطفا کی میننگ کیا ہے یہ تو جب انسان عربی لغت اور عربک ڈکشنری کو دیکھے گا تو اس کو محسوس ہوگا اصطفا کے بہت سارے معنی ہیں اصطفا کا مطلب ہے بے عیب ہونا بے داغ ہونا
इस्तफा का मतलब है बेनक्स होना, जहां कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, जहां पर कोई दाग ना हो, धब्बा ना हो। यानी कुरान की जबान में और कलाम इलाही के बयान में और किताब रब्बुल इज्जत की इस्तलाह में टेक्निकल टर्म में उस जात को, उस हस्ती को, उस शख्सियत को, उस वजूद को, उस पर्सनालिटी को मुस्तफा कहा जाता है जो बेऐब, जो बेदाग हो। परवरदिगारे आलम ने इस्तफा का ऐलान हजरत आदम की जात से वाबस्ता करके आलम इंसानियत को तवज्जो दिलाई। हमारी मिल्लत का बच्चा बच्चा और आलम इस्लाम की तकरीबन हर फर्द जानती है कि इलाही हादियों में, रहबरों में, रहनुमाओं में, पेशवाओं में सबसे पहले नंबर हजरत आदम का आता। हम जानते हैं वो खलीफतुल्लाह है, हम जानते हैं वो रहबर है, रहनुमा है, हादी है, पेशवा है, अबुल बशर है, मस्जिद मलायक। तवज्जो कीजिएगा, गौर करें आप, ये सारे अलकाब, ये सारे टाइटल, ये सारे मदारिज, मरातिब, ओहदे, मनसब, कमालात, जमालियात, पहलू, रुख, सिफात, फजाइल, मनाकिब हजरत आदम के। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन ये अलकाब तो आपने महसूस कर लिए हैं कि आप मस्जिद मलाइक भी हैं, अबुल बशर भी हैं, फादर ऑफ नेशन भी हैं, सारी इंसानियत उन्हीं की औलाद है। लेकिन जनाब आदम अबुल बशर कब बने? वो पैदा होते ही अबुल बशर नहीं थे, तवज्जो चारा, वो खलीफा कब बने? वो मस्जिद मलाइक कब बने? फरिश्तों ने सजदा कब किया? अल्लाह ने खलीफा बाद में बनाया है, मुस्तफा पहले बनाया है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने रहबर बाद में बनाया है, मुस्तफा पहले बनाया है, रहनुमा बाद में बनाया है, मुस्तफा पहले बनाया है, अबुल बशर पहले बनाया है, बाद में बनाया, मुस्तफा पहले बनाया। आप मुस्तफा के माना समझ चुके ना, मुस्तफा का मतलब है बेऐब होना। गौर कीजिएगा, पहले बेऐब बनाया, फिर खलीफा बनाया। पहले बेऐब बनाया, फिर अबुल बशर बनाया, रहबर बनाया। तो कुरान में अल्लाह ने अपनी सुन्नत तो लिख दी है, अब अंधों को नजर ना आए तो हम क्या करें? और करिएगा, अल्लाह ने अपनी सुन्नत का, सीरत का, रविश का, तर्ज का, अंदाज का, कानून का और ढंग का ऐलान कर दिया है कुरान में कि हम किसी ऐबदार को खलीफा नहीं बनाते, हम किसी दागदार को रहबर नहीं बनाते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना है, कुछ गुजारिशात, कुछ मारूजात, कुछ अफकार और नजरियात आयात कुरानी की बुनियाद पर आपकी समातों की बारगाह में नजर करना है। और करिएगा, अजीब बात है, हजरत आदम को मुस्तफा बनाया, मुस्तफा बनाए इस्तफा से। और कीजिएगा, और चूंकि बैठी हुई है मेरे सामने शख्सियत, इनका नाम भी इंतखाब है। दो लफ्ज इस्तेमाल हुई है अरबी में, और कीजिएगा, किसी किरदार को अपनाने के लिए, तारुफ के लिए, इंट्रोड्यूस के लिए, और कीजिएगा, दो लफ्ज, एक लफ्ज है इस्तफा, एक लफ्ज है इंतखाब। और करिएगा, इंतखाब भी उसी बाब से है और इस्तफा भी उसी बाब से है, लेकिन दोनों में मानवी फर्क है। इस्तफा का मतलब है सेलेक्शन, इंतखाब का मतलब है इलेक्शन। गौर करिएगा, अगर आप थोड़ा सा बेदार हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। इंतखाब का मतलब क्या है और कीजिएगा, इंतखाब का मतलब है इलेक्शन और इस्तफा का मतलब है सेलेक्शन। सेलेक्शन इल्म की बुनियाद पे होता है और इलेक्शन सारे जहां जमा हो जाए, भेड़िया धसान का नतीजा इलेक्शन है। और
ओपिनियन वोट सपोर्ट। अब जरा सा इस रुख को देखिए, कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं, और कीजिएगा 558 रुकू हैं और 720 मंजिले हैं, 6666 आयात हैं, 265,000 अल्फाज हैं, मगर कुरान में अल्लाह ने इंतखाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। चैलेंज कर रहा हूँ, जहां भी इस्तेमाल किया है इस्तफा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आदम का इस्तफा किया, नूह का इस्तफा किया, इब्राहिम का इस्तफा किया, मूसा का इस्तफा किया, ईसा का इस्तफा किया, एक एक नबी का इस्तफा किया। इस्तफा का मतलब समझ लिया ना आपने? इस्तफा का मतलब है सिलेक्शन, इंतखाब का मतलब है इलेक्शन। अल्लाह ने अपने दरबार के हादियों को सिलेक्शन के जरिए भेजा है, इलेक्शन के जरिए नहीं भेजा। ये है हादी, रहबर, रहनुमा, पेशवा इलेक्शन की बुनियाद पे नहीं बनता, सिलेक्शन की बुनियाद पे बनता है। गौर करिएगा, अब दो नजरियात आए, एक इलेक्शन का नुमाइंदा, एक सिलेक्शन का नुमाइंदा। गदीर सिलेक्शन का नुमाइंदा है, सकीफा इलेक्शन का नुमाइंदा है। गौर करिएगा, फरमाया और मिजाजे मशीयते इलाही है कि वो ऐबदार को खलीफा, रहबर, हादी नहीं चुनता। जिन जिन को लोगों ने चुना उन्होंने अपने ऐब का ऐलान किया। गौर करिएगा, जब मिंबर पे आए तो जमाने के सामने, लोगों के सामने बेबसी का ऐलान इस तरह किया, अकीलूनी अकीलूनी, अरे मुझे संभालो, मुझे संभालो, मेरे अंदर बड़े उयूब है। जिनको लोगों ने बनाया था उन्होंने ऐलान किया अकीलूनी अकीलूनी, और जिसे अल्लाह ने सिलेक्शन किया था उसने मिंबर पे बड़े इफ्तिखार से कहा सलूनी सलूनी। माशाल्लाह, महसूस किया ये इफ्तिखार की मंजिल नहीं है, ये फक्र का मकाम नहीं है, ये नाज और घमंड का मरहला नहीं है। हमें जो रहबर मिले वो और है, जमाने ने जो चुने वो और है, दोनों में फर्क है। जिनको जमाने ने चुना वो जिंदगी में भी अपने दामन से दाग ना हटा सके। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बड़ा फरमान, एक एक का नाम लेकर तारीख के हवाले से, हकायक और सदाकत के रेफरेंस से आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में जिनको चुना वो अपने दामन से दाग ना हटा सके, और जिनको अल्लाह ने चुना वो शहीद भी हो गए मगर उनके दामन पर कोई दाग ना लगा सका। ये है इतनी मंजिल महसूस करने की जरूरत है। अब इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, अल्लाह ने आदम को बेऐब बनाया, बेदाग बनाया, बेनक्स बनाया, जहां जवाल ना हो, जहां कोई खामी और कमी ना हो। उस जाते गिरामी को कुरान क्या नाम देता है? मुस्तफा। मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ, और अल्लाह ने तीन ही तरीके सिलेक्शन के रखे हैं कुरान में। शायद किसी लाहिर में बात कह दूं आपकी खिदमत में, तीन तरीके हैं सिलेक्शन के। मुलाहिदा करिएगा, सिलेक्शन कैसे होगा? बाई इस्तफा,
इस्तफा के जरिए भाई इर्तजा, इर्तजा के जरिए भाई इज्तबा, इज्तबा के जरिए जो इस्तफा का नतीजा होगा वो मुस्तफा कहलाएगा, जो इर्तजा का नतीजा होगा वो मुर्तजा कहलाएगा, और जो इज्तबा का नतीजा होगा वो मुज्तबा कहलाएगा। ये है वो कुरान का अपना एक अहम रुख पहलू एंगल जिसको जहनों में रखने की जरूरत है। आइए कुरान मजीद को देखिए, परवरदिगार ने कहा अलैहि बात इन्नल्लाह अस्तफा आदम मुस्तफा, नू मुस्तफा, आले इब्राहिम मुस्तफा, आले इमरान मुस्तफा, फिर उसके बाद इरशाद फरमाया ला अल्लाह आलमुल गैब ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन। अल्लाह अपने गैब की अमानत किसी के सुपुर्द नहीं करता मगर उसी को इल्म गैब देता है जो मुर्तज़ा हो। इल्ला मन इर्तज़ा, इज्तबा भी आ गया, इर्तजा भी आ गया, इस्तफा भी आ गया, चौथा कोई आप रुख बता दे कुरान में, मुसलमान तलाश करके बताए कि कोई और भी रुख है, बड़ा फरमाइएगा या इस्तफा है या इज्तबा है या इर्तजा है। जिसका इस्तफा करे अल्लाह वो बनता है मुस्तफा, जिसका इर्तजा करे परवरदिगार वो बनता है मुर्तजा, और जिसका परवरदिगार आलम इज्तबा करे वो बनता है मुस्तफा। तीन ही तरीके हैं। अब रसूल नबी पैगंबर अंबिया कितनी कैटेगरीज है, तीन कैटेगरीज, या मुस्तफा या मुर्तजा या मुस्तफा, और नबी कितने हैं 1,24,000। तवज्जो करो, अहम जुमला देने जा रहा हूं जिसमें तारीख सिफ्टी हुई है, बड़े कयामत का ये रुख और पहलू है, जरा महसूस करना। नबियों की तीन कैटेगरीज है, तीन क्वालिटी है, तीन सिफतें हैं, तीन किस्में हैं, तीन अल्लाह ने इनको मर्तबे अता किए हैं, या नबी मुस्तफा है या मुर्तजा है या मुस्तफा है। तो ये 1,24,000 अंबिया, इनका पीरियड कितना है, इनका पीरियड है 18,000 साल का। तवज्जो जरा, 18,000 साल में 1,24,000 अंबिया को तीन ये अलग अलग मिले हैं, मुस्तफा मिले, मुज्तबा मिले, मुर्तजा मिले, जो सारे नबियों को 18,000 साल में मिले, मुख्तलिफ जबानों में मिले, वो सब एक ही जमाने में एक ही घराने में हजरत अबू तालिब को मिल गए। मेरा जुमला अगर पहुंच गया हो तो आप झूमेंगे, आप कभी अपने अंदर वो मोहतर और खुशबूदार महसूस करेंगे। 18,000 का पीरियड, 18,000 साल मामूली नहीं होते, कितने घराने, कितने जमाने, कितने पीरियड, कितने अंबिया, सारे अंबिया को गौर कीजिएगा, 18,000 बरस में तीन मिले, मुस्तफा, मुज्तबा, मुर्तजा, अकेले अबू तालिब को एक ही जमाने में तीनों मिले। कसाब दलील क्या है, अरे दलील ये है, मुस्तफा को गोद में बिठा दिया, मुर्तजा को नस्ल में रख दिया, तवज्जो जरा, और मुज्तबा को पोते की शक्ल में, जिसका भतीजा मुस्तफा, जिसका बेटा मुर्तजा, जिसका पोता मुज्तबा, उस अजीम जाते गिरामी का नाम अबू तालिब है। तो तस्लीम करो कि हजरत अबू तालिब का एक जमाना सारे नबियों के जमानों में भारी है। बाप हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, न बाप का जवाब न बेटे का जवाब, बाप का एक जमाना नबियों के जमानों में भारी, और बेटे की एक जरबा इबादतों में भारी। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं,
आप मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मैं आपके मिजाज से बहुत वाकिफ हूं। गौर करिए आप, मुर्तजा, मुर्तजा का मतलब क्या है? अब जरा सा सतह जहनी को बढ़ाएं तो सवाते सुखन में लुत्फ पैदा हो। कौन है साहब मुर्तजा? कुरान ने मोहर लगाई, स्टेप लगाया, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिफरेंस भी दे दूं, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, सूरह मुबारक है बकरा, आयत नंबर 205। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु तगा मरदातिल्लाह। अरे कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ के टहर न जाओ बल्कि तलाश करो वो कायनात के सारे लोगों में अकेला कौन है जो अपना एक नफ्स बेच रहा है अल्लाह की सारी मर्जियां। ठीक है ना? असल में शोराए कराम माशाल्लाह समातों को इतना पामाल कर चुके होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है नज्म के बाद नस्र को बना के ले जाना। ये तो उन्हीं की ताईद है और आपका जौक समात। अल्लाह फरमाइए, मैं मौलाए मुत्तकियान का एक लकब, एक हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। वह मीन अन्नास, लोगों में है। कौन है वो? मन, वो अकेला है। कौन है? सारी कायनात में अकेला, अकेला अली अकेला है। वह मीन अन्नास मन यश, जो अपने नफ्स को बेच रहा है, अपने नफ्स को बेच रहा है। किसके अवज? किसके बदले? इब्तगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की सारी मर्जियों के बदले। अली का एक नफ्स, अल्लाह की सारी मर्जियां। इसे डील देखिए आप। अरे भाई, ये शहर तो बिजनेसमैन लोगों का है, या तो तिजारत उरूज पर ही है हमेशा। मिजाज तिजारत भी जानते हैं। तिजारत का उसूल यह होता है कि बराबर का माल बराबर से बेचा जाता है और खरीदा जाता है। इधर से क्या है मामला? कहना सुने जी ने एक अली के एक नफ्स की कीमत क्या लगाई अल्लाह ने? अपनी सारी। अब मैं कुरान से रूहे फिक्र निकाल के आपकी समातों की झोली में डालना चाहता हूं और शायद इसी बात पर मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। पैगाम एक मैसेज पहुंच जाएगा, लाइव है, दुनिया देख रही है। चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई रद्द कर दे तो खत्ते गुलामी लिख दूंगा। क्या हुआ साहब? अली ने बेचा है नफ्स की जमा है नफूस या अनफूस? अनफूस नहीं दिए, नफूस नहीं दिए, नफ्स। उधर मुकाबले पे क्या है? मर्ज़ातिल्लाह, मर्ज़ात जमा है मर्जी की। तो अब अल्लाह की जितनी भी मर्जियां वो सब कहां है? अब अल्लाह ने नफ्स के बदले अली को दो बातें, दो पहलू, दो रुख, दो एंगल, दो हकीकतें, दो सदाकतें, दो पहलू, दो रुख, दो वजूहात, दो असबाब, दो रीजन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अली ने बेचा है एक नफ्स और अल्लाह ने कीमत में दी है सारी मर्जियां। ठीक है ना? सारी। अरब ग्रामर का उसूल है कि जब जमा का लफ्ज मुजाफ हो जाए
तो फिर कोई जुज बचता नहीं। अल्लाह के पास जितनी मर्जियां थी वो सब अल्लाह ने अली को दी थी एक नफ्स के बदले। आपको ऐसे अंदाजा नहीं होगा। फिर चलिए कुरान की तरफ, सूरह मुबारका तौबा, दसवां सूरह कुरान मजीद का और गालिबन 111वीं आयत, उसके अंदर इरशाद हुआ रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर। अल्लाह की एक मर्जी कायनात से बड़ी है, तो जिसकी एक मर्जी कायनात से बड़ी हो उसकी सारी मर्जियां क्या होगी? नहीं समझे? उसकी सारी मर्जियां क्या होंगी? अली उस अमीर का नाम है जो अल्लाह की सारी मर्जियों का मालिक है। आप जागे नहीं है अभी, मुकम्मल तौर पे नहीं जागे। फिर जरा सा कयास करो, अपने जहन में गर्दिश दो, इस बात को समझो, महसूस करो, गहराई में उतरो, जड़ में पहुंचो, असल को जरा खंगालो, रियलिटी को देखो, सदाकत को देखो, सच्चाई को परखो, अपनी आंखों के सामने रखो। रिज़वानुम मिनल्लाह है अकबर। अल्लाह की एक मर्जी कायनात से बड़ी है, तो अगर एक भी दे देता तब भी अली के बराबर कोई ना होता। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी जी, अगर अली को अल्लाह एक मर्जी भी दे देता तब भी दुनिया में अली के बराबर कोई ना होता। तो जो अल्लाह की सारी मर्जियों का अमीर हो उसका मुकाबला फकीरों की औलाद है। सलामत रहे आप, शादो आबाद रहे। ये इतने कुरानी है जो आपके मशाने समात में आयात के जरिए पहुंच रहा है। अल्लाह ने क्या दिया अली को? सारी मर्जियां, सारी मर्जियां। उसूले तिजारत तो यह है, जितना माल खरीदो उसी एतबार से कीमत दो। तो परवरदिगार अली का एक नफ्स खरीदा, नफ्स उसने अपना एक नफ्स बेचा और कर रहे हैं और कमाल हो गया। ये तिजारत भी अजीब है साहब, हर डील जागते में होती है। नहीं समझा? अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरा शेर सो रहा है और नफ्स बेच रहा है और मैं सारी मर्जियां दे रहा हूं। अभी आपने कुरान का पहलू नहीं देखा। अली की एक रात की नींद है, वो भी पूरी रात की नहीं है, और उसकी कीमत क्या है? अल्लाह की सारी मर्जियां है। तो जिसकी एक रात की कीमत ना जांची जा सके उसकी पूरी जिंदगी कितनी मर्जी होगी? अली, अब एक जुमला कहना चाहता हूं, अली जिंदगी में कभी सोए नहीं। ये परवरदिगार, ये है नौजवानों, अगर ये आपने मरहला तय कर लिया तो आप मारफत की तरफ रवा दवा हो सकेंगे। अजीब मंजिल, अली को अगर मर्जी देना थी, ये बताइए सोना ज्यादा कठिन है या मैदान में तलवार चला चला? सवाल सवाल बहुत तो नहीं हो रहा है, है ना? है ना? क्या समझिए, मैदान में तलवार चलाना ज्यादा कठिन है सख्त है या सो जाना? और सोने की गारंटी दे रहे हैं नबी कि सो जाओ तो सोना तो बहुत आसान सी चीज है, फितरी है, नॉर्मल है, तो रात दिन सोते हैं। अल्लाह करे इंसान सोए मुकद्दर ना सोए।
नहीं नहीं नहीं, अरे मैं साथी कौशल के फजाइल पढ़ रहा हूँ, इस पानी की जरूरत क्या है। और समझ कीजिए, यहाँ पर अजीब मंजिल है, अजीब कैफियत है, अजीब रुख है, जो आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। लड़ना खैबर ज्यादा मुश्किल है या सोना? जी खैबर ज्यादा मुश्किल है ना, सोने थोड़ा मुश्किल नहीं, लड़ना मैदान में ज्यादा मुश्किल है। उसकी दलील है, सोने को तो कोई भी सो जाए मगर मैदान में सब नहीं टिकते, है ना? है ना? मैं पूछना चाह रहा हूँ, खैबर ज्यादा मुश्किल या शबे हिजरत का सोना? खंदक ज्यादा मुश्किल या शबे हिजरत का सोना? बद्र अहद हुनैन ज़ात सलासी वीरु लालम हुनैन, ये सारी जंगे आप अंदर से अपने निकले नहीं अभी तक, अंदर के इंसान को जरा बरामद कीजिए। अभी सुनिए जंगों को देखिए, सोने में क्या करना पड़ता है, सो गए, लेकिन लड़ने में जान की बाजी लगाना पड़ती है। तो पूछना चाहता हूँ परवरदिगार, जब अली खैबर लड़ रहे थे तब अपनी बंदी दे दे, जब अली खंदक लड़ रहे थे तब सारी बंदियां दे देता, बहुत बड़ी बात। जब अली बद्र लड़ रहे थे तब दे देते, तुम जरा मसलहत में झांको। जंग करना अली को किसी ने सिखाया नहीं, आदत नहीं डाली किसी ने, अली का जाती कमाल है। तो जो चाह रहा हूँ, अली पहले से मुजाहिद है और बहादुर है, सावत है, दलेर है, शेर है, सूरमा है। आप आगे कैसे है, पैदा होते कल्ला है, इधर को चीरा रख नहीं चीरा, अली तो शजा पैदा ही हुए, ये सब उनकी फितरत में, उनकी खबीर में, उनकी तख्लीक में अल्लाह ने वदियत किया है। और करें आप अली की 63 साल की जिंदगी देख जाइए, चैलेंज कर रहा हूं पेपर से, अली को किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, अली सब कुछ वहां से लेके आए हैं। सिर्फ जिंदगी में एक आदत है जो अली की जात नहीं है, और जो चारों मोहम्मद के बिस्तर पर सोना, ये अबू तालिब की डाली हुई आदत है। जाग रहे तो लुत्फ आएगा, वरना अल्लाह हाफिज। हर आदत, हर सिफत, हर फजीलत अली की क्या है? जाती सलूनी सलूनी, इल्म का वफूर, तलवार चलाना अली ने सीखा है। कोई बता सकता है कुछ सीखा? मगर मिंबर से चैलेंज कर सकता हूँ, नबी के बिस्तर पर सोना ये आदत अबू तालिब का है। 3 साल तक सुलाया है, अल्लाह जाने कहां आ गया। परवरदिगार ने कहा खैबर में मर्जियां नहीं दूंगा, खंदक में नहीं दूंगा, किसी मौके में नहीं दूंगा, जहां अली का सारे अपने कमान है वहां नहीं दूंगा मर्जियां। वो आदत जो अबू तालिब ने डाली है उसकी कीमत लगाऊंगा। अबू तालिब ने 3 साल सुलाया है, यानी कम से कम 1000 दिन, 1000 दिन में से अल्लाह ने 1 रात निकाली। तो जो कह रहा, 1000 दिनों में से 1 रात निकाली, उस 1 रात के छोटे से हिस्से में सारी मर्जियां दे दी, ताकि बकारे अबू तालिब समझ में आ जाए कि अभी तो 1 रात का हिसाब नहीं हुआ, अबू तालिब की 1000 रातें का। और शायद इसलिए झूम के कहा लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, अबू तालिब की 1 रात कायनात के 1000 महीनों में भारी। देख रहे ये है, अगर मूड बन गया हो तो जरा अजमत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पर बलंद तरीन सलवार पड़े,
بولیے نا ماشاءاللہ اب کیا ہوا صاحب ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میرے پاس الفاظ بھی تو نہیں ہے بہت بے بس طالب علم ان کی خدمت میں کیا عرض کروں امیر کائنات کا تعارف میں کہاں کرا سکتا ہوں غور کریں گے آپ مگر گہرائی میں اترنا تو حق بنتا ہے نا لیا ایک نفس دی ساری مرضیاں اصل میں آپ کو دیکھنے میں ایک لفظ رکھا ہے سنگل نفس مگر معاملہ کچھ اور اللہ تعالی نے یہ نفس کب خریدا علی سے فکر ہے کب خریدا ہجرت کی رات ہجرت کب ہے جب مکہ چھوڑ رہے ہیں حضرت علی کب ہے کجم مدینے میں آ چکے دو سال بعد دو ہجری ایک سال گزرا دوسرے سال آپ کا عقد ہے توجہ کیجئے گا ابھی علی نور حسن نور حسین نور زین العابدین نور محمد باقر نور جعفر صادق بارہویں تک کا نور کہاں ہے سلم علی کچھ سننے کی یہاں پر ایک للک ایک اشتیاق ہونا چاہیے کہاں ہے سب گیارہ امام کہاں سب ہیں سلم علی میں ابھی عقد ہوا یہ زہرہ کی طرح ابھی منتقل نہیں ہوئے ابھی علی کے پاس جب اللہ شب ہجرت علی کو سنا رہا ہے تو سارے نفس کہاں لوگ پریشان ہیں صاحب یہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک نفس خریدا اور ساری مرضیاں دے دی نہیں سودا برابر کا ہے اب میں ثابت کرنے چلا ہوں غور کریے گا اب میں ثابت کرنے چلا ہوں دوسرے امام سے بارہویں امام تک کا نور سلم علی میں ہے پلس اپنا نفس اور وہ جان کا نفس سارے کے سارے علی کے پاس تھے ان کے علاوہ خزانہ الہی میں کوئی اور معصوم نہیں ہے جو چاہ رہا ہم لادہ فرمایا تھوڑا سا سوچ چل رہا ہے کیا ہے صاحب ان بارہ کے علاوہ معصوم ہیں ان کے علاوہ تو آئے اب خزانے الہی میں دکھاؤ اگر خزانے الہی میں مزید کوئی اور گوہر ہوتا تو بارہویں کو چھپا کے بیٹھے جو چاہ رہا ہوں دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھ کے سمجھ جائیے گا آپ جاگتے رہیے گا عجیب بات ارے نہیں بھائی ہجرت ہجرت آپ حیرت کر رہے ہیں جی حسن صاحب ذرا دیکھیے کمال کی منزل جس پر میں لا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ایک نفس خریدا اور ساری مرضی دے جی نہیں بالکل اکول ہے برابر ہے معاملہ اللہ کے کمالات کے مظاہر اس کی صفات کی دلیلیں اس کے خزانے کی جوہر گیارہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہی نہیں خزانے الہی میں اب معصوم گوہر نہیں ہے وہ سب تھے علی کے پاس اب لوگ کہتے ہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اب یہ مرضات نہیں کہوں گا غور کیجئے گا اللہ نے جتنی مرضیاں تھی وہ سب علی کو چھوٹی یہاں یشری غور کیجئے گا خود بیچ رہا ہے ایک چیز ہوتا ہے اشرا ایک چیز ہوتا ہے اشرا بائی اور سیل دو چیزیں ہیں ایک خریدنا
और एक बेचना खरीदार है खुदा, बेचने वाले हैं अली, अली बेच रहा है तो जो चाह रहा हूँ, अल्लाह नहीं बेच रहा है, मर्जियां नहीं बेची है, मर्जियों को कीमत बनाया, प्यारे अपना नफ्स दे दे, मेरी सारी मर्जियां दे ले, अली ने अपना नफ्स दिया, अब दोनों में न जाने शदे हिजरत के पर्दे में मेराज के पर्दे की कसम, लफ्जों से भी कभी कभी फायदा उठा लिया गया, हकीकत मेराज के हिजाब की कसम, न जाने शबे हिजरत के पर्दे में अल्लाह और अली में क्या बात हुई। अरे भाई मेराज भी तो नहीं है, वहां भी तो अल्लाह और अली की बात थी, तो जो जा रहा अली ने जमीन पे मेराज का मंजर दोहरा दिया, नबी की चादर ओढ़ कर लेके और सोता हुआ, अल्लाह ने कहा अली नफ्स दे, का परवरदिगार ले ले, का कीमत में क्या दूं। अब यहाँ पर लफ्ज है, शायराने मिजाज भी है ना आपका, संजय ना, अब अली जो भी कुछ कहते वो अली की अपनी मर्जी थी, अली का अपना ख्याल था, मगर अली ने जो ना कहा, मुझे खतीब आले मोहम्मद सैयद हसन अज़दी रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहा है, उन्होंने अजीब जुमला कहा, कयामत कर दी जब अल्लाह ने अली से पूछा नफ्स बेचेगा, बेचूंगा का क्या लेगा, तो अली ने मुस्कुरा के जो तेरी मर्जी, जो जो तेरी मर्जी, खल्लाक कायनात जो तेरी मर्जी ले ले, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि प्यारे मर्जी की बात कर रहा है, मैं सारी मर्जियां दूंगा, मगर भाई क्यों आप अगर जिंदा है सवाते जिंदा है और आप आबादा है तो समझेंगे असल में एक नफ्स और सारी मर्जियों का मामला नहीं, बराबर की चोट है, बराबर की चोट क्यों हुई, अली ने कहा परवरदिगार जो कुछ मेरे पास था वो मैं तुझे दे रहा हूँ, बशीयत ने झूम के कहा जो कुछ मेरे पास है वो मैं सब तुझे दे रहा हूँ, तावीज़े गुलू बनाकर मेरी गुजारिश को अपनी हिफाजत के लिए मुअय्यन कर लेना, जिंदगी के किसी चौराहे पर शर्मिंदा नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा कारनामा क्या है साहब, लोगों के अपने रहबरों के कसीदे, अपने रहनुमाओं के कसीदे, अलकाब टाइटल फजाइल मनाकिब बुलंदियां, ओहो इस्लाम के महरूमा कहां तक पहुंचा मुसलमान का दबाव, अपने पड़ोसों बड़ों को क्या बनाया सूरज और मगन, हमारा सूरज है, हमने कहा हमारे पास अली है, वो कहा आपके पास अली है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास सूरज है तो क्या हुआ, का सूरज बहुत बड़ा होता है, कितना भी बड़ा हो अली के इशारे पर बदलता है, है ना, है ना? अच्छा साहब, साहब अब बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े किरदार कह रखा, हिमालयी पर्सनालिटी, ओहो लुत्फ लेना छोड़ दिया, समाज लुत्फ दोस्त जो भी देखे साहब, ओहो अपने रहबर के कसीदे ये वो मगर जब एंड में आते हैं सारा मामा बन गया मेरा, बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े ऐसे वैसे, हमने कहा नाम बताओ, नाम बताओ,
तो इतने बड़े तो भूत रजी अल्लाह ताला का अल्लाह से अभी कहां बैठे हैं जा सलवार पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद आगे बढ़ाइए सलवार पढ़ते हैं जी आपके जुमले की मिठास महसूस नहीं की। ये जुमला आलम इस्लाम की शर्मिंदगी को दर्शाता है। जब ये इतने बड़े हैं इनसे बड़ा कोई नहीं तो फिर तुम्हें दुआ की जरूरत क्या थी कि अल्लाह इनसे राजी हो जाए। इस राजी हो जाए की तमन्ना में कुछ छुपा है। तो कह रहे हो अल्लाह से इनसे राजी हो जा। अगर कभी नाराज हुआ तो फिर ये रिजा की गुजारिश क्या जी? देखिए मुमतहिन बनकर ना बैठ बैठ आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान नहीं है फजैले अमीर सबका इम्तिहान ले लेते हैं। जितनी ताकत हो उतनी ताकत से सुनिए भाई जुमले का मतलब क्या असल में आप जानते हैं। ये जुमला है दुआइया ए अल्लाह ताला ए रहमान अल्लाह अल्लाह राजी हो ये राजी हो जा मुझे बताइए दुआ है ना वो सब क्या है ये जब बताए मुझे दुआ है ना तो उसका मतलब ये कि आपके रहबर वो हैं जो आप दुआओं के मोहताज हैं। ये दुआ अल्लाह है ना है ना आप दुआ दे रहे हैं कुछ मत कहिए बड़े टाइट आए हो बहुत ऊंचे लोग हैं और रसूल की बस बस बड़ी बाबाकार बार बार अरे भाई भाई रसूल के बाबाफा बस वालों का निसार है। किसने आपसे कह दिया क्यों बात कर रहे हैं आपसे ज्यादा कौन मानेगा भाई का भाई हमने नबी के वफादार सहाबा को हमें सर पे रखा है वफादार कब छोड़ा है भाई भाई अब क्या है उनकी हम शरीक हयात क्या टाइटल है साहब उनका वो अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया क्या फरमाया अन्नबियो औला मिनल मोमिनीन मिन अनफुसिह नबी की क्वालिटी ये है अन्नबी औला बेहतर है सुपरलेटिव की ये औला वली तरीन सबके नफ्सों पर मालिक कौन मालिक है नबी नबी सारे मोमिनों के नफ्सों पर उनसे डिग्री है सबसे सबसे बुलंद हो गई बात नबी की मोमिनों की माँ उम्मत की माँ तो भाई क्या कह रहे हैं आप होगा कुरान ने इतनी बड़ी डिग्री दी अरे तो भाई रिश्ता हमसे हमारी माँ है अब मोमिनीन तो हम ही हैं वहां तो मुस्लिम नहीं है
तो उनका माँ का रिश्ता हमसे है भाई, आपको परेशान हो रहा। आप बताइए आपका मौकिफ क्या है, आपका मतमाए नजर क्या है? अरे अरे उनके लिए मत कहो या रसूल अल्लाह ताला। फिर भैया भी दुआ देना पड़ी ना आपको, दुआ देना पड़ी ना। यही तो हम कहते हैं कि उम्मत की मां और है इमाम की मां। और करिएगा मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, खयानत होगी अगर अपनी जगह बैठे रह गए। कुरान के कितने बड़े फजीलतों के तोमार लगा दो मगर तान का टूटेगी, अल्लाह उनसे राजी हो जा। तुम दुआ दे रहे हो, उम्मत की माएं वो है जिनको उम्मत दुआएं देती है, और इमामत की माँ वो है जो उम्मत को दुआएं देती है। इमामत की माँ है। और कीजिएगा किस से दुआएं दी? इमामत की माँ। और जुमला बता दो, इमामत की माँ जिसको दुआ दे दे कायनात भी अगर एकजुट हो जाए तो उसको रोया नहीं हिला सकती। जोर बस, वक्त तो हो गया, एक घंटा हो चुका, बस दो तीन लम्हात और है। बोला फरमाइएगा अजीब बात, क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं यहाँ पर, आपके जहनों में रख रहा हूं। कायनात का कोई कितना ही भी बड़ा इंसान हो वो एक पॉइंट पे आकर मोहताज नजर आता है। और ये रजब का महीना है, जरा काबे की दीवार की तरह दिल खोल दो। ऐसी नहीं क्या अजनबियत है, उतरा हो क्या नहीं उतरा हो सबके अंदर क्या है जनाब? आखिर में आके मामला गौर तलब है, कसीदे है, मनाकिब है, फजाइल है, तारीफ है, ये है वो है, आखिर में आके ले गया मामला। क्या निजाम बनाया है, तर्ज नहीं है। एक कंपेरिजन है शहजादे, तर्ज नहीं है, तकाबुल है, मुआजना है, सब कुछ करने के बाद कितना बेबस है मुसलमान है ना, सब कुछ कसीदे पढ़ने के बाद फिर बेबस। अब मैं कहना चाहता हूँ मिंबर से, मिंबर से सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है, इबादत है, इनकार नहीं करता, अपने चाहने चहेते किरदारों को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना बहुत अच्छी बात है। होटिंग नहीं, कोई होटिंग नहीं, कोई तर्ज नहीं। देखिए आप खामोश हो गए, ये है खाकि शिफा वाला मिजाज। ये खाके शिफा वाला मिजाज है, ये गैर सेहतमंद बात को बर्दाश्त नहीं करता। जी ये अकीदों का कमाल है। वो कहे ये मौलवी मिंबर पे बैठ बैठ के नहीं 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 कह सकते दुआ मांगने में क्या दुआ, अल्लाह ने कहा दुआ मांगो उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर,
अपने मरने वालों को खैर के साथ याद करो तो अल्लाह की रिजा मांगने से बड़ी खैर क्या होगी। ईसा अलैहि सलाम की तो रिजा है, क्यों पढ़ते हो कुरान मरने वाले के लिए, ताकि नाराजगी हो जाए, है ना, यही है रिजा मिल जाए, खुशनुदी मिल जाए, हमारा जाने वाला बख्शा जाए। तो ये अच्छा जुमला है, बुरा नहीं है, मगर इस जुमले ने फंसा दिया सब। कायनात में कोई कितना भी बड़ा किरदार हो, सुनिए उसे रजी अल्लाह अनहु कहना जायज, राइट, ठीक। फिर सन्नाटा, थोड़ी देर लगेगी मिजाज बनाने में, एकदम थोड़ा ही बन जाता है, थोड़ी देर कंप्रोमाइज कर ली, रजी अल्लाह ताला अनहु कहना दुआ है, अच्छी बात है, बड़े से आपने दाद दी आपको मोबाइल मोबाइल लगा ये है, समझ समझ, अजीब बात है, अजीब कैफियत है। अब सुन लो बस, ये है आपके लिए तोहफा आज की शब का, कायनात का बाद रसूल की बात कर रहा हूं, पहले मुझे नहीं मालूम बाद रसूल कितनी भी बड़ी शख्सियत हो है? है? उसके लिए रजी अल्लाह अन्हु फिट बैठता है। जी जी, ये भागने का बादल नहीं है, यहाँ बरसा वहां नहीं बरसा, ये जो दाद वाला चक्कर है ना, ये एक एक टुकड़ी बोल रही है, नहीं नहीं बोल रही, ये नहीं चलेगा, दिल से बोलिए, हरे हरे यहाँ ये फिट है जुमला, मगर हर जगह बैठता है। लेकिन सुनिए, अब मैं कह रहा हूँ मिंबर से, इतना बड़ा जगह चाहिए दुनिया के सामने, हर एक के लिए जायज है कि आप अल्लाह ताला को कहें, मगर अल्लाह के लिए हराम। भारी है, जी ठीक है, हाँ हाँ, फाइनल डिसीजन मेंबर पर ले रहा हूं, बजा बजा बजा, सलामत रहे, साधु आबाद रहे, खुदा के लिए याद रखना, सुनाए आप एहतराम सबका, रिस्पेक्ट सबकी, तकरीम सबकी, ताजीम सबकी, कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी मर्जी, बाद रसूल कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, हर एक के लिए तुम्हें परमिशन है कि रजी अल्लाह ताला अन्हु कहो, मगर अली के लिए जुमला कहना हराम है। हराम क्यों है? हम तो दीन से हट जाएंगे, अल्लाह वर्सेस मुल्ला हो जाएगी। अल्लाह से कैसे टकराव होगा? अल्लाह कहेगा क्या कह रहे हो मेरे अली के लिए? परवरदिगार राजी हो जा, कभी गैरत शर्म नहीं आती, जिसको मैंने अपने मर्जियां सारी नहीं दी, वो तेरी दुआओं का मोहताज है। से बोलो
गुजारिश जिसका नाम ही मुर्तजा अली अमील मुर्तजा। और ये कौन है? मन इर्तजा मिन रसूल अल्लाह, अपनी रजा देता किसको? किसे मुर्तजा बनाता है? किसे मुर्तजा बनाता है? मिन रसूल, जो रसूल से हो, रसूल का टुकड़ा हो। अब बताओ कायनात लाओ छाट क्यों किरदार जिन्हें रसूल ने कहा अली मिन्नी, हसनो मिन्नी, हुसैनो मिन्नी, जो मिन्नियत के दर्जे पर फाइज है वो सारे मुर्तजा। और जो मुर्तजा वो अल्लाह की मर्जियों का मालिक। आप मैं आपकी खिदमत में सात बार मुर्तजा का तज़किरा कर रहा हूं। और सुनिए, साहिब मर्दात ला का तर्जुमा होता है सिर्फ, देखिए आदमी जुमले पे आ गया हूं, थोड़ा सा लिटरेचर, अरबी लिटरेचर। साहिब मर्दात इलाही का तर्जुमा क्या होगा? सिंपल अरबी जबान में बाबुल हवाई। चूंकि कोई भी हाजत बगैर रजा के पूरी नहीं होती, तो जिसके पास जितनी रजाएं हैं उतना उसके पास हवाई का कंट्रोल है, हाजतों का जरूरतों का। ये मेरा मौला सातवा रहबर है दरबार इलाही, ये सातवा मुस्तफा, ये बाबुल हवाई अल हवाई हवाई जमा हाजत की अलिफ लाम है इस्तिग़राब का। कोई हाजत बची नहीं, कोई नीड बची नहीं। अब बताइए, मैं तो एक नमूना पेश कर रहा हूं, आज का मेरा मौला कौन है? आज का मेरा ममदू कौन है? आज हम किसके तज़किरे के जमा हुए? सात रात सात आप मुर्तज़ा, सात आप मुस्तफा, सात आप मुस्तफा, सातवा बाबुल हवाई। और बाबुल हवाई का मतलब क्या? जिसके कंट्रोल में हर एवरी जरूरत, जितनी भी जरूरत है जिसके इख्तियार में अल्लाह ने दे दिया। अब हमसे कह रहे हैं लोग, अरे साहब उनको ईमान, उनको ईमान, देखिए जिंदा बैठे मेरे नौजवान नौनिहाल, हमसे कह रहे हैं लोग उन्हें भी मानो ना। अरे भैया हम मना कब कर रहे हैं, मगर यहाँ पे क्यों खामखा के लिए बटन डाल, उन्हें भी मानो ना। भैया लेटर पीरियड है, आप कहेंगे ना, आप कहेंगे लेटर पीरियड क्या मतलब? ये मॉल मॉल हमारा है, दुकानों पर जाने का नहीं। जिस कौम के पास चौदह चौदह बाबुल हवाइज, अब बाबुल हवाइज का आज की जबान में तर्जुमा कर रहा हूं, इलाही मौल, अल्लाह ने जहां अपनी सारी चीजें रख दी हो, जो मांगो इनसे मिलेगा, अगर औलाद भाई औलाद देंगे
तवज्जो चाहता। अगर मगफरत का खतरा हो ये मगफरत कराएंगे, अगर जिंदगी में अड़चन हो ये जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। और कमाल तो यह है कि दुनिया में जिनके दामन पकड़े उन्होंने मौत को हलाकत बना दिया, इन्होंने मौत को शहादत बना दिया, जिंदा कर दिया। इनकी शहादत पर जिनकी मोहब्बत पे मरना शहादत हो, जिनकी मोहब्बत पे मरना है ना, है ना, बड़ा मजा आता। हमारे यहां भी समाते उस मंजिल पे नहीं पहुंची जहां पाकिस्तान में। सुनिए बाकी कैसी मैटर कुछ नहीं होता, मगर समा समा तो यहाँ पूरा दिल का खुद निकाल के रख दे। ये नौजवान फला पाकिस्तान का खतीब बहुत अच्छा पढ़ते पढ़ते वहां के सुनने वाले यहाँ से अच्छे सुनते हैं। निम्बर पे झूठ तो बोल नहीं सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छा सुनना नहीं जानते, सुनना जानते हैं मगर उसको संजीदगी से लेते नहीं। हमारी तकलीफ में गैर नमाजी का उंसुर है, हिंदुस्तान काटती है ना, दूसरे को गले लगाते हैं। अच्छी बात बात ये सारे हमारे मत एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ से भी इंपोर्ट भी होते हैं। कुछ यहाँ से भेजते हैं, कुछ वहाँ बराबर दरामद भी। और यही नुक्ते जब हिंदुस्तान के मोहतबर समाचार सुनते, खुदा की कसम मिंबर पर बोल मुझसे का फला था कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कौन सा नुक्ता कहा नुक्ता, मैंने 10 साल पुरानी कैसी सुजवादी मैंने पढ़ चुका हूँ। जब सो रहे थे आप जब मैं पढ़ रहा था। ये तो समातों में वजन पैदा कीजिए, मजबूती पैदा कीजिए, कुरान और हदीस से कुर्बत पैदा कीजिए, ताकि मोतबर फजाइल और कर रहे हैं हवाओं में गिरने वाले नहीं। मिंबर पे आए डुगी बजाई और चले गए, गलत सलत रवायत पढ़ के अकीदे खराब करके, कहीं ना कुरान में ना हदीस में कहीं इत्तेहाद की दावत हुई। इत्तेहाद की दावत नहीं है। सुनिए मैं भी जुमला कह रहा हूँ, इत्तेहाद की दावत दिखा दो पूरे कुरान में। ताआवुन की दावत है, मदद कर सकते हो। इत्तेहाद इत्तेहाद कैसे, इतना बड़ा सूरा रखा है कुरान, कल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून। क्लियर कर, उन्होंने ये तो कहा था कंप्रोमाइज। अरे भाई इत्तेहाद है क्या, कुछ तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा। अच्छा दूसरे लफ्ज़ कुछ तुम थोड़ा सा अली को छोड़ दो, सोच ये अगर अली को थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो अल्लाह तुम्हें पूरा करेगा। ताऊन करो, ताऊन ताऊन कीजिए, मदद कीजिए, मदद करते वक्त ये दादी के दुश्मन है कि दोस्त, ये देखिए साहिब जरूरत है। ये सीरत ए अलवी, ये सीरत ए आइमा मेरे मौला ने एक रवायत छोटी सी साहिब खिलाफत का बेटा मदीने के अंदर बाबुल हवाई की शान में गुस्ताखिया करता था। और बहुत ज्यादा आपकी शान गिरामी में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी तो इमाम ने अपने दादा की तरह उसके दादा पे जैसे इनके दादा ने इनायत की, ऐसे ही आपने इनायत की। जरूरत है तो ताऊन कोऑपरेशन इमदाद मदद ये सब कीजिए, ये अल्लाह की नवाजिशों का शुक्रिया होगा। वो जी अली ने मदद की, अली ने मदद की भाई, वो अल्लाह ताला की सिफत कमाल के मजहर मतलब है। अली ने अपने दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ा, 550 साल फिरौन को जिंदा रहा
क्या कहता था फिरौन? फिरौन नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, रमजान में तरावी पढ़ता था। कुछ भी नहीं, जरा सा कहता हवा स्टॉप स्टॉप, थोड़ी देर रुक, उसकी मोहब्बत बन जाती रहता फिर फिरौन रह सकता था जिंदा, ऑक्सीजन स्टॉक जिंदगी खत्म, इतना ही तो करना था, मगर 550 वर्षों से जिंदा रखा और खाली तड़पा के जिंदा नहीं रखा। नहरे बागात तख्त ताज मुल्क राज, अली ने अपने दुश्मन को छोड़ दिया जिंदा तो अली, हमें शर्मिंदा करने क्यों कर, अली ने अपना दुश्मन समझते तो उनको मार डाल देते, लिहाजा अली से मुत्तफिक थे उनके अकीदे से, तो तेरा अल्लाह भी फिरौन से मुत्तफिक था। क्या बात हुआ तो अपना अपना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह की है वो उसे अता करना है, पैदा किया फिरौन उसने पैदा नहीं किया, बंदा पैदा किया था, गौर करिए अल्लाह ने क्या पैदा किया था, इबलीस पैदा किया था शैतान ने। कानपुर वाले अच्छी तरह समझेंगे, गन फैक्ट्री देखिए, गन फैक्ट्री फैक्ट्री देखिए, वहां से अबल बैरियर की गन ले आए, कौन हसन हसन मुसल्ला था, हसन नासा ले आए, और एक मौलवी साहब से उनको बहुत ज्यादा एलर्जी थी, ये बड़ी उनके खात में बैठे थे, बेहतरीन उसके अंदर कारतूस डाले, डबल एलजी क्या होता है, ही होता था एलजी के डाल दिए, अब पता नहीं क्या हुआ, चला दिए मौलवी साहब जो थे उड़ गए, मौलवी साहब पुलिस आ गई, हसन साहब यू आर अरेस्टेड, आप गिरफ्तार, उनका मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहा, मैंने थोड़ा ही मारा बंदूक ने मारा, इसकी कंपनी पर चला, कंपनी वाले कहेंगे हमने मर्डर के लिए नहीं बनाई थी, हिफाजत के लिए बनाई थी, तो अल्लाह ने इब्लीस पैदा किया था, शैतान पैदा नहीं किया था, अल्लाह पे मुकदमा नहीं चल सकता, अल्लाह ने तुम्हें इंसान पैदा किया था, किस लिए पैदा किया था, फी मोहब्बत है तो अगर रहमत इलाही के हिसार महफूज रहना है तो इनकी मोहब्बत पर कयाम और दवाम इख्तियार करना पड़ेगा, नहीं रह सकते। मेरा सातवां इमाम बाबुल हवाई अब्द साले इबादत का आलम, अब तसव्वुर करें और पहुंच जाए, कई बार गिरफ्तार किए गए आप, बहुत कम उम्र पाई है, फातिमा की शहजादे ने बहुत कलील उम्र पाई, मगर कसीर एतबार से गिरफ्तारी हारून रशीद जब भी घबराता था, इख्तदार मानवी इख्तदार रूहानी और इख्तदार हकीकी को देख देख कर, तो एक ही हर बात गिरफ्तार कर लिया जाए, शहीद कर दिया जाए, अरे भाई कोई चार्ज लगाओ ना, दामन पर दाग लगा के दिखाओ, नहीं लगा सकते चूंकि अल्लाह ताला का सर्टिफिकेट है ये मुस्तफा, और मुस्तफा होता ही वो है जो बेदाग, मजलिस खत्म कर चुका, मसाहिब की पढ़ने की जरूरत थोड़ा सा बगदाद में पहुंच जाए, बगदाद और बसरे के दरमियान बड़ा अंदोहनाक कर्बना अजियतनाक कैदखाना, वहां आप कैद किया गया, निगरा बनाया गया फजल इब्ने रबी को, वो अपनी छत पर बैठा हुआ है,
देखिए ये नकायस पैदा करना चाहते थे मगर फजाइल बन गया। उन्होंने एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इधर आओ, अब चूंकि तो हारून रशीद जालिम का मुसाहिब है ना, कौन बात आ गए जी फरमाइए, जरा झांक के देखो। असल में मैं कैद खाना तो कह गया, मिंबर पर हमारा कैद खाना नहीं था, एक कुआं था। हवा का गुजर नहीं, धूप की रमक नहीं, 24 घंटे में लम्हों के हवाले से सोते थे मौला, सोते भी नहीं थे, आराम करते थे, खाना पीना मुसलसल 24 घंटे इबादत इलाही। फजल के नबी ने बुलाया वो गजरा झाग की तरफ, शायद खाने की तरफ, और देखो क्या है, उसने झाग झाग रोटे का बका बका, वो झाग के कहता है कुछ नजर आया। फजल के नबी ने कहा नजर आया कहा, अमीर नजर तो आ रहा है, कपड़ा पड़ा है, एक रक्त सफेद है, एक कपड़ा एक चादर है वो नजर आ रही। एक बार तबा खरीदा के जरा गौर से दे, अब उसने गौर से देखा हाँ अमीर कुछ उभार है चादर के अंदर, का ये उभार नहीं है, ये फातिमा का लाल सजदे में कैद खाने की अजियतों ने जिस्म का गोश्त पिघला दिया था, हथकड़ियां बेड़ियां खारदार तौब कमर का लंगन, अपने दादा जहलुल आबिदीन की छवि बने हुए थे। आखिरी जिंदाबाद अजलम तरी सग दिल तरी सिद्धि बिन शाही हारून रशीद ने अंगूर भेजे, मौला को जहर दिया, खत्म हो गए मली दो ही लव। आपको मालूम है मौला बगदाद में है, मदीने में नहीं है, और मेरे मौला और आपके सातवें मौला असीरे बगदाद, वतन से दूर मदीने से दूर। जानते हो इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के 18 बेटियां हैं, 18 बेटियां, और जानते कि बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती है, 18 बेटियां, उन्हीं 18 बेटियों में एक मासूमा कुम भी है, खारे अली वो भी है, मासूमा बीबी आपकी बड़ी शहजादी है, बड़ी दुख्तर है, आपसे छोटी 17 बेटियां और हैं, मगर जानते हो अब मैं क्या बताऊं, दजले के ऊपर जो पुल है बगदाद में उसे जसरे बगदाद कहते हैं, मेरे मौला का जनाजा बेवारिसाना अंदाज में उस पुल पर रख दिया गया और ऐलान करा दिया गया, जिसे देख रहा हूं आपसियों के इमाम के जनाजे को देखे, आपके आठवें मौला बाएजाज आए, बाबा को गुस्ल दफन दिए किया, तजीर तकफीर के मराज अंजाम दिए, नमाज जनाजा पढ़ाई, रवायत कहती है फातिमा कुम भी साथ थी, बाप के जनाजे पर गिर पड़े, बेटी से बर्दाश्त ना हुआ, भाई सामने है, मैं कहूंगा इमाम रजा आपके बाबा दुनिया से जा रहे हैं, आप बहन के साथ हैं, आपकी बहन अपने ऊपर काबू ना रखकर अपने बाबा के ऊपर गिर पड़ी है, मगर किसी ने तमाचा तो नहीं लगाया, हाय करबला, रोने में तकलीफ ना कीजिएगा, न जाने किसके पहलू में फातिमा बैठी है, सकीना के साथ क्या वो कोई नहीं था जो फातिमा कुम को
है अपने बाबा के सीने से जुदा कर सके। इमाम रजा मौजूद थे मगर करबला की मंजिल बताओ, बस एक ही जुमला है, ताबूत भी शायद बरामद होगा, आप ज्यारत करेंगे, बहुत बड़ी इबादत से आप गुजरेंगे, फातिमा को आप खुशनूद करेंगे, अपनी जिंदगी का फरीजा अंजाम देंगे। है गरीब का मातम है, असीरे बगदाद का मातम है, सुनिएगा जनाबे मासूमा तुमको बड़े एहतराम के साथ भाई ने दस्ते इमामत की नरमी और लताफत से बाप के सीने से हटाया। अब मेरे साथ चलो करबला, इमाम हुसैन सजदा आखिर में है, शिमर कुंजन लेकर पसे गर्दन से जरबे लगा रहा है, सकीना खैमे से बेसरो सामानी के आलम में निकल के आ गई है और पहुंच गई है उस मकाम तक जान शेर पे शिव ये जुल्म उठा रहा था। बच्ची ने एक मरतबा ललकार कर कहा, ओ बोलो ये क्या कर रहा है। शिव ने जब ये आवाज सुनी लरज गया और लरज क्या कहते हैं, अमन अंत कौन हो तुम बिना आयन, कहां से आई हो बित्तो मन, किसकी बेटी हो माई सो, तुम्हारा नाम क्या है। सकीना ने डांट के कहे, सर सवाल बाद में करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्या तू साहिब औलाद नहीं है। शिव ने कहता है, क्यों नहीं, मेरे तीन बेटियां हैं। सकीना ने कहा, लानत हो तेरी खुदा पर, तीन बेटियों का बाप होकर एक बेकस बेटी के सामने उसके मजलूम बाप को इस बेदर्दी के साथ ज़बा कर रहा। अरे जो रसूल की ज़बान चूसता था, ये जुमला बड़ा कारी था। शिव ने खंजर एक तरफ रखा, हुसैन की पुश्त मुबारक से उतरा और सकीना की तरफ चला, मगर सकीना को एहसास हो गया, अब बता मुझे सकीना कहाँ जाए। ए फातिमा ए कौम, आपका भाई होश में है मगर सकीना का भाई किसके पास जाए। सकीना जब ये तबाचे मारने के लिए आगे बढ़ा तो सकीना खैमे में नहीं आए, जानती थी भैया का आलम क्या है, खैमे में नहीं आए, फिर कहाँ गई सकीना, सरो सीधा पीटोगे, अरे गई दरिया के किनारे, फरात के किनारे आई और बाबुल हवाइज हजरत अब्बा जो बेलाब शादो के आलम में थे, यानी वो आपका जिसे मुबारक जा शादे नहीं थे, सकीना आई और आने बाद आपने मुंह पर मुंह रखा, साथी पे हाथ रखे सीने पर और दांत से दांत मिला के कहा, चचा शर्माओ नहीं, आंखें खोलो, मैं पानी मांगने नहीं आया, अरे मेरा बाबा मारा गया, फिर का घंटा चल रहा है जमीन लर्जी। इसी मंजर को इमाम मूसा काज़िम अपनी शहादत के बाद में दरूद कफर से अपनी बेटी और बेटे के कान में कह रहे थे, तुम मुकद्दर वाले हो, मुझे गुस्ल दिया, कफर दिया, अरे जा करबला में फातिमा का ला दिया गया। वाह गुरबता वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रजल बकजाए व तस्लीम बगले अमरे हुसैन हुसैन हुसैन।